गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे, वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। क्लास 10, सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, चैप्टर है आपका 12, वर्षा वर्णनम, वर्षा का वर्णन, वर्षा के मौसम का, वर्षा का वर्णन। तो देखिए, इसको मैं डायरेक्ट समझाना शुरू कर देती हूँ। रजा प्रशांत समय हो द वायु निध्य दोष प्रसार प्रशांत स्थित ही यत्र वसुधा अपि नाम प्रवस्नो यंति नरहा स्वदेशनो। देखिए इसका अर्थ देखेंगे अपन। आज पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के जो धूल के कण हैं वो शांत हो गए हैं। जब वायु वर्षा आती है तो पृथ्वी के जो धूल के कण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं और वो शांत हो जाते हैं। वायु जो हवा है वो कैसी हो गई है, शीतल हो गई है, शीतलता से भर गई है। गर्मी के फैले हुए, जो गर्मी ने दोष फैलाया था वो दोष शांत हो गया है। राजाओं की यात्राएं जो बड़े बड़े इधर उधर जाते हैं उनकी यात्राएं रुक गई हैं। विदेशों में निवास करने वाले लोग अपने देशों को जा रहे हैं। बाहर जब विदेशों में निवास करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वर्षा के सीजन में वापस आ जाते हैं। ना तो कोई वहाँ जाता है ना आता है, अपने अपने घरों को लोग चले जाते हैं। समुद्रानम सलीला भीवन भवरम बालकिनो वरीधरा नरंतः महुसु श्रृंगेशु महीधरणम विश्रम्य पुनः प्रयन्ति। आप देखिए बालिको नाम माने होता है बाली का नाम माने बगलों की पंक्तियां। ठीक है, जो बगलों की जो पंक्तियां हैं वो बादलों का पानी है जो बगलों की पंक्तियां हैं वो कैसी हैं, बादलों में सुशोभित हो रही है, दिखाई दे रही हैं। पर वो पंक्तियां, बारिश आ जाती है, पंक्तियां वो क्या करती हैं, बारिश और बादलों के कारण वो क्या करती हैं, बादलों की आवाज़ आती है गर्जन की। उस आवाज़ से वो क्या करती हैं, पर्वतों की जो ऊंची ऊंची श्रृंखलाएँ चोटी होती हैं वो सारी सारे जो बगले हैं वहाँ जाकर पंक्तियों में बैठ जाते हैं, वहाँ पर जाकर विश्राम करते हैं। वहंती वर्षंती नदंती भवंती ध्येयंती नृत्यंती समाश्यंती संती नदो गया मत्त गजा वंता प्रयविहीना शिकना पल्लवा गमः। आप देखिए नरहा माने नदियां होता है, घन माने होता है बादल, मत्त गजा माने मतवाले हाथी। अब क्या हुआ, देखिए नदियां जो हैं पानी भर जाता है तो नदियां बहने लगती हैं। बादल एवं बरसात से जो मतवाले हाथी होते हैं, जो चित्ताड़ की आवाज़ निकालते हैं, चित्ताड़ रहे हैं, बोल मतलब चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, तो उससे क्या होता है, उनकी आवाज़ से जो वन है बहुत ही, उस समय जो बारिश का समय होता है उस समय क्या है, जो वन होता है, जंगल होता है, वो भी बहुत सुंदर लगने लगता है। तो जो अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े हुए लोग चिंतन मग्न हो जाते हैं। उस समय क्या होता है, अपनी जो प्रिय प्रेमिकाएं हैं, प्रिया हैं, उनसे बिछड़ जाते हैं वो लोग, वो क्या होते हैं, उनको चिंतन मग्न हो जाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। इस समय मोर नाच रहे होते हैं, मेंढक सुखी हो रहे होते हैं और मेंढक बहुत सुखी हो जाते हैं। तो ये सभी के बारे में बताया। नदियाँ इस समय बहने लगती हैं, बादल बरसने लगते हैं, मतवाले जो हाथी हैं वो चित्ताड़ने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, वन बहुत सुंदर लगने लगता है कानन, और प्रेमिकाएँ जो प्रेमिकाएँ रहती हैं वो प्रेमी से बिछड़कर
क्या होती है, चिंतामग्न हो जाती है, मोर नाचने लगता है और मेंढक बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, वर्षा प्रांगणे विपुलः पतन्ति प्रवन्ति वातः समुदी वर्णे वेगः प्राणकष्टकूलः प्रवहन्ति शीघ्रं नदो जलं प्रवन्ति प्रवन्ति पन्नव मार्गः। अब देखिए विप्र पिन्न मार्गः मतलब क्या होता है, मार्ग को रोक देना या अवरुद्ध कर देना। ठीक है, अब देखिए इसका श्लोक का अर्थ, बहुत अधिक वर्षा के कारण जो वर्षा की जो धाराएं होती हैं पृथ्वी पर गिरने लगती हैं, वायु बहुत अधिक तेजी से बहने लगती हैं, जिनसे किनारे जो होते हैं क्या होते हैं, बारिश के कारण जो नदी के किनारे होते हैं वो टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तथा जिन्हें मार्ग रोक दिया जाता है, जिन्होंने क्या होता है, जब बारिश के किनारे टूट जाते हैं वो मिट्टी बहकर चली जाती है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, मार्ग को रोक लेती है। ऐसा नदियों का पानी तेजी से बह रहा है, और ऐसी जो नदियों का पानी है वो कैसा बह रहा है, बहुत तेज गति से बहने लगता है। तो आपके ये चार श्लोकों के अर्थ मैंने बता दिए, तीन या चार के श्लोक के और अर्थ रह जाएंगे आपके, जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ।